नमस्कार द नगरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य आत्रे। आज हमारे साथ दिलीप सिंह जी नाथावत जी हैं। नाथावत जी की सबसे खास बात यह है कि झोटवाड़ा क्षेत्र के अंदर जो आम लोगों की समस्याएं होती हैं उसको लेकर वो लगातार संघर्ष करते हैं, और संघर्ष ही नहीं जब तक उस समस्या से या उन समस्याओं से निजात नहीं मिल जाए आम लोगों को, तब तक लगातार उसके पीछे पड़े रहते हैं। और यहाँ तक कि बिजली पानी के अलावा जो क्राइम की अगर बात करें या अन्य जो भी समस्याएं हैं, सामाजिक सरोकार से जुड़ी जो समस्याएं हैं उसको लेकर लगातार आवाज उठाते रहते हैं। हमारे साथ दिलीप जी हैं। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिलीप जी, क्षेत्र से जुड़ी जो समस्याएं हैं इसको लगातार उठाते रहते हैं, किस तरह से शुरुआत हुई, कैसे दिमाग में ये सारी चीजें आई? सर्वप्रथम सभी आपके दर्शकों को मैं मेरा नमस्कार प्रणाम कहना चाहूंगा। हम जब छोटे स्कूल टाइम में हुआ करते थे, नज़दीकी स्कूल था, उसमें एनसीसी स्कूल में नहीं हुआ करता था। और छोटा बच्चा होता है जो सेना को लेकर बड़ा प्रभावित रहता है, देश के फौजियों को लेकर बड़ा उत्साहित रहता है, तो कहीं ना कहीं मेरा मन था कि हम एनसीसी में जाएं। तो उसी को लेकर हम बच्चों की एक टोली लेकर हम रामनियाज बाग में एक हेडक्वार्टर है एनसीसी का, वहाँ गए। और वहीं से उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा आपके स्कूल में नहीं है अभी इस तरह की प्राथमिकता, पर उन्होंने फौजियों ने हमें अप्रिशिएट किया कि ये छोटे छोटे नन्हे बुलने बच्चे आए हैं और अपना अधिकार मांग रहे हैं यहाँ पे। उसी को लेके फिर धीरे धीरे बड़े हुए, कॉलेज टाइम में गए, स्कूल टाइम में गए, आमजनों के लिए जहाँ देखा कोई शोषित पीड़ित दलित कोई दुखियारा तो रहा नहीं गा, और आत्मा से उसके लिए कष्ट सहन नहीं हुआ और उसके अधिकारों के लिए जहाँ जगह मिली वहाँ खड़े होकर लड़ाई लड़ी। आप हाल ही में लगातार झोटवाड़ा क्षेत्र से के जो आम लोग हैं उनसे आप जुड़े रहते हैं, आम जनता से जुड़े रहते हैं, किस तरह की जो समस्याएं आती हैं और किस तरह से कठिनाई आती है उन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि वैशाली नगर एक ऐसा एरिया है जहाँ पे अधिकांश लोग शिक्षित वर्ग भी है और कुछ लोग ग्रामीण परिवेश भी है, तो उन लोगों के बीच में आए दिन समस्याएं आती है, या तो विकास का मुद्दा हो या फिर कोई पानी बिजली नियमन इत्यादि, और क्षेत्र में जैसे कि आए दिन चोरी वारदात होती है, तो वहाँ पे हम लोग संयुक्त होके आमजन बैठ के आपस में निर्णय लेते हैं, हम युवा इकट्ठे होते हैं और उसके लिए आपस में सहयोग से उसको सरकारी मशीनरियों का सहयोग लेकर उसको समाधान करने का प्रयास करते हैं। अगर हमारी सुनवाई हो जाती है तो वहाँ तक हम लोग बड़े हर्ष के साथ सबकी समाधान हो जाता है, और नहीं हो पाती है तो हम लोग उसके लिए फिर एक आंदोलन की मुहिम शुरू करते हैं और तब तक उसका डट के मुकाबला करते हैं जब तक जनता को उसका अधिकार नहीं मिल जाता। दिलीप जी, देखिए मुझे एक नेता याद आ रहा है जिस तरह से आप लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास भी जो थे लगातार इसी तरह से जनता से जुड़ते थे, उनकी आवाज पहुंचाते थे, तो मैंने ये भी सुना है कि छोटा प्रताप सिंह के नाम से भी आपको लोग जानते हैं। प्रताप सिंह जी खाचरियावास एक सीनियर मोस्ट लीडर हैं, और सत्य बात यह है कि मैं आज तक उनसे कभी नहीं मिला, पर कहीं ना कहीं वो श्री रामचंद्र जी के और कछावा वंशज हैं, क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, और मैं भी श्री रामचंद्र जी का वंशज और कछावा राजपूत हूँ, तो कहीं ना कहीं गुण है कि निर्बल और कमजोर को देखकर हमसे रहा नहीं जाता, चाहे रोड पे हो चाहे किसी भी स्तर पे, हमें अधिकार आमजन को दिलाना है उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं, और उसी लिए अधिकांश लोग कहते हैं कि ये छोटा प्रताप सिंह। बिल्कुल, अभी मौजूदा समय की बात करें आपके क्षेत्र के अंदर, तो ऐसी कौन सी बड़ी समस्याएं थी और किस तरह से आपने संघर्ष करके उन समस्याओं से लोगों को जो है निजात दिलाई? हमारे क्षेत्र के अंदर पृथ्वीराज नगर का एक बहुत बड़ा भाग जुड़ा हुआ है, जिसके लिए मैं 62 दिन JDA का धरना देके मैं बैठा, और हमारी एक पूरी समिति बनी और आम जन को हमने उसमें राहत दिलाई, और जैसे ही सरकार बदली तो क्षेत्र में विकास की गंगा आई, और क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और मेरे गुरु और अभिभावक श्री लालचंद कटारिया जी क्षेत्र के विधायक भी बने, भारी मतों से जीते जनता की आशीर्वाद से, तो उन्होंने आते ही क्षेत्र में विकास की गंगा लाए, चाहे पृथ्वीराज नगर में बिसलपुर पानी हो, सड़कें हो, विकास डेवलपमेंट की
उन्होंने हर स्तर पे मेहनत करके लोगों को राहत देने का प्रयास किया और हमारा आंदोलन सफल हुआ। उसी के साथ में मेरा एक भाग पड़ता है जो कि एक वैशाली शहरीकरण, उसमें नियमन की दरें पूर्ववर्ती सरकार ने करीब बहुत ज़्यादा कमर तोड़ रेटे लगाई, उसका हमने आंदोलन किया और आंदोलन इस अभी भी चल रहा है। उसमें से एक भाग को हमने जो क्वींस रोड है विद्युत नगर, उसमें से 450 पट्टे करीब हमने 200 रुपये में निम्न दर में दिए। इसके लिए माननीय कटारिया जी ने और माननीय गहलोत साहब ने आमजन को राहत दी, इसके लिए हम सब उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जरूरत पड़ने पर किस तरह से आप है अपने क्षेत्र में सामाजिक सरोकार भी निभाते हैं, जैसे बेसहारा जो बेटियां हैं उनकी चाहे शादी करना हो, स्कूल में जो सरकारी स्कूल है उसके अंदर किसी तरह की कोई आवश्यकता हो, उपकरण हो या फिर अन्य कोई जरूरत की चीजें हो, तो उसके लिए किस तरह से प्रयास करते हैं आप? क्षेत्र की सीमा कभी बाधित नहीं कर पाई, जहाँ पे दिखा कोई परेशान है दुखी है तो वहाँ पे दिल नहीं माना और युवा साथियों की टोली बना के उतर गए। जैसे कि हमारे बंदे बालाजी अजमेर रोड के पास में स्थान है, वहाँ पे एक महस्वास ग्राम है जो कि बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा है, उसके अंदर हमने स्कूल का निर्माण करवाया। उसमें हमने उच्च तकनीक की शिक्षा के लिए, जैसे कि नन्हे मुन्ने बच्चे अगर देश के विकास के उच्च शिखर तक जाने के लिए नन्हे मुन्ने बच्चे जब तक सुदृढ़ नहीं होंगे, देश की रीढ़ की हड्डी मजबूत नहीं होगी, इसी के क्रम में हमने उनको कंप्यूटर, उनकी शिक्षा के लिए किताबें, सामग्री, खेलकूद के सामग्री, शीतल पानी के लिए हमने अजमेर रोड के पास में 150 ग्राम है और जोटवाड़ा क्षेत्र में भी कई जगह ऐसी है वैशाली में, जिसमें हम समय समय पर ये सहयोग करते हैं अपने निजी स्तर पर। बिल्कुल, ये तो बात सरोकार की हो गई, लेकिन आस्था से भी आप लगातार जुड़े हुए हैं, भगवान की आस्था है वो लगातार आप में बनी हुई है। किस तरह से मैंने सुना है कि एक बहुत लंबी धार्मिक यात्रा भी आप निकालते हैं। आध्यात्मिकता से मैं शुरू से ही मेरा मन प्रेरित रहा है, मैं सभी धर्मों में आस्था में अखंड विश्वास रखता हूँ। उसके तहत मैं श्री कैला देवी यात्रा जो कि जयपुर से करौली 2 दिवसीय जाती है, इस बार 15वीं यात्रा जाती है दिसंबर में, हर दिसंबर को शीतल ठंड में जाती है, उसमें रहना रुकना अत्यधिक सुविधाओं के साथ में निस्वार्थ भाव से हम सभी भाई साथी मेरे संपर्क वाले मिलके हम करीब 700,000 भक्तों को ले जाते हैं बसों द्वारा और उनके रहने रुकने की रजाई गंदे आदि की सेवा करते हैं, जो कि प्रत्येक वर्ष करते हैं हम लोग। नर सेवा ही नारायण सेवा के रूप में। बिल्कुल, जो नर सेवा है वो नारायण सेवा के जो है उसके हिसाब से आप लगातार अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं। ये हमारे साथ थे दिलीप सिंह जी, उन्होंने बताया कि किस तरह से जो लोगों की समस्याएं हैं उसको लेकर जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, निजात दिला रहे हैं समस्याओं से, और आगे भी जो इनका ये प्रयास है, संघर्ष है, वो लगातार जारी रहेगा। फिलहाल द नगरी न्यूज में इतना ही, नमस्कार।